लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। हम और वीडियो को नहीं कहते हैं शेयर करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को प्यार मोहब्बत इतना मिल जाता है वीडियोस का कि हमें उतना मत सुकून मिलता है। लेकिन इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार शेयर कीजिए आप लोग और इसको दूर तक पहुंचाए, क्योंकि और भी लोग जान सके और आकर यहां BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। चलिए, अगर आप बिरयानी खाना चाहते हैं तो गोपालगंज के लजीज बिरयानी शॉप का हम आपको एड्रेस बता रहे हैं। बिरयानी का प्रचार नहीं बनता है, लेकिन कुछ वजह है, कुछ रीज़न है, इसीलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। आप देख सकते हैं रोड है ये, आप यहाँ पे आइएगा तो ये कमला राय कॉलेज की तरफ चला जाएगा और इधर ये अंबेडकर चौक पे चला जाएगा, ये मिनी स्टेडियम है इधर चला जाएगा। और ये सामने जो है इसका, ये है चिराई घर। चिराई घर के ठीक सामने जब आप देखिएगा तो एक गली होगा और उस गली में अकबर कॉम्प्लेक्स होगा, उसके अंदर आइएगा तो डायरेक्ट बड़ा सा फ्लिक्स में लिखा होगा आरफिया बिरयानी हाउस। बनाने का वजह ये वीडियो यह है, ये बात है, क्योंकि एक महिला का हस्बैंड 28 दिसंबर को एक्सपायर कर जाते हैं और उस महिला की 5 बेटी हैं। वो एक बेवा होने के नाते वो कहीं नहीं जाती है, हालांकि इद्दत में मुस्लिम औरतें रहती है, लेकिन इद्दत में रहते हुए भी बिजनेस अपना रोज़गार शुरू किए हैं। ये स्क्रीन पे आप लोग वीडियो भी देख रहे होंगे, लजीज बिरयानी है यहाँ का, बहुत टेस्टी है। अगर आप गोपालगंज में कहीं पे भी आते हैं, यहाँ पे बिरयानी खाना ही है, खाना खाना ही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे खाते हैं तो इस महिला का सपोर्ट भी मिल जाएगा और साथ में आपका पेट भी भर जाएगा। और उस 5 लड़की का अगर ऊपर देखा जाएगा तो एक उन लोगों को बिल्ड हो जाएगा, एक आने वाला फ्यूचर में उन लोगों को भी बहुत कुछ फ्यूचर में हो सकता है। एक महिला कहीं पर ना जाकर ये यहाँ पर एक बिरयानी हाउस खुली हुई है, एक महिला बनाकर। हम बात करेंगे, इनके कोई रिलेटिव हैं, उनके एक्सपायर होने के बाद से ये अपने हाथ बढ़ा रहे हैं, ये हम जानेंगे। सबसे पहले ये क्या लगती हैं आपके? ये मेरे खाला हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम आप लोगों को थैंक्यू बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस चीज़ों को समझा और यहाँ आके आपने भी सपोर्ट किया। एक्चुअली ये मेरे खालू थे जो बिरयानी का शॉप पिछले 6 साल से चला रहे थे और अचानक उनका हार्ट अटैक कर गया। 28 दिसंबर को गोरखपुर हम लोग लेके गए थे हॉस्पिटल पर, वहाँ उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है हम लोगों ने किया, करने के बाद घर पे हम लोग बैठे थे, 5 बेटियां हैं, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि मतलब दुकान बंद कर दो, इज्जत में कैसे चलाओगी। और बहुत सारे लोग कहा कि नहीं दुकान चलाओ, ठीक है, चूँकि ये दुकान वो चलाते थे, 6 सालों से दुकान चलाते थे, तो उनके हाथ का ये चीज़ है और 5 लड़की हैं। तो देखिए, कड़वा सच्चाई ये है कि जब आदमी इंतकाल करता है तो लोग 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर हम आपके साथ हैं, अदरवाइज फिर वो आपको पूछने भी नहीं आते हैं कि आप खाए हैं कि सोए हैं। तो अच्छा है, खाला हमारी आई, होटल को खोली, हफ्ता दिन होटल चलाई, कभी 2 प्लेट कभी 3 प्लेट बिरयानी बिकता था, लोगों को पता चल गया था कि ये देख कर गए, अब सब बंद हो गया। तो मैं एक दिन आया, यहाँ बैठा हुआ था तो फ़ोटो लिया यहाँ का और अपने व्हाट्सअप स्टेटस लगाया, उसके बाद अपने FB पे शेयर भी किया, तो मेरे दोस्त लगभग 2000 के करीब शेयर भी किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से कुछ अच्छा रिस्पांस रहा, ठीक है, और आप मीडिया भाइयों के थ्रू भी काफ़ी इसको मतलब कि सपोर्ट किया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक चल रहा है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि इनकी 5 बेटी हैं और सबसे बड़ी बात है कि मेरी खाला है, लेकिन इनके हिम्मत को दाग देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के इस मतलब माहौल में एक मतलब विधवा औरत अगर आके बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, काम करके अपने परिवार को पाल रही हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी 5 बेटी है, आप गोपालगंज आते हैं कहीं ना कहीं जाके बिरयानी खाते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टेस्ट नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा क्वालिटी मिलेगी। अंदर दुकान है लेकिन आपको डस्ट नहीं मिलेगा, डस्ट फ्री है, यहाँ पर पार्किंग का पूरा स्पेस है, बैठने का बहुत शांति जगह है, और आपके 1 प्लेट बिरयानी खाने की वजह से कहीं ना कहीं उनका मतलब कि जीविका चल रहा है, उनकी 5 बेटियों का पालन पोषण हो रहा है। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पे आएँ और एक बार आए और टेस्ट को चेक करेंगे तो हमको लगता है कि आपको बार बार आएंगे, क्योंकि बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, ठीक है। और आगे आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा जगह है, साफ़ सफाई भी है, ठीक है ना, रोड पर जो भी शॉप है उनका शिकायत नहीं करा, लेकिन हमारे यहाँ आपको
बिल्कुल डस्ट नहीं मिलेगा। अब महिलाएं भी खाना खाने रही है? बिल्कुल, यहाँ पे महिलाओं के लिए भी बैठने की व्यवस्था है अंदर में। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे परिवार के लिए। और ऐसा नहीं है कि मेरी खादा इद्दत में है तो इद्दत में रहते हुए वो पर्दे में रह के वो अपना बिरयानी शॉप चलाती हैं। इद्दत में ही रह कर? जी, इद्दत में ही रह के। और यहाँ पर रेट लिस्ट देखिएगा तो काफ़ी आपको मतलब कि जेन्युइन दिखाई देगा। यहाँ पर हमारा रेट लिस्ट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मंदी वगैरह भी बनता है, चिकन रोस्टेड, ये सब ऑर्डर पर बनता है। ठीक है, सब खाला बनाती हैं? जी जी, सब कुछ खालू जैसे खालू। जी 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 जी, तो आप लोग से मेरी फिर एक बार अगेन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जरूर एक बार आके यहाँ पर टेस्ट चेक कीजिए। हम एक बार आप खाएंगे तो बार बार आप यहाँ पर आएंगे। और आप सपोर्ट कीजिए, आपके एक प्लेट बिरयानी खाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन आपके एक प्लेट बिरयानी खाने की वजह से वो पैसा से इस पांच बेटी का पालन पोषण होगा। किस लड़की की शादी हुआ? एक लड़की का शादी हुआ था अक्टूबर में, और शादी के दो महीने बाद वो डेथ कर गए उनके पिताजी। जी, लड़के वो मेरे खालू डेथ कर गए। हाँ हाँ, जी। तो कहाँ है मकान पड़ता है इन लोगों का? इनका मकान माझा प्रखंड में एक पिपरा गांव है, वहीं इनका मकान पड़ता है। अभी यहाँ पे ये लोग रूम भी रेंट पे ले कर रहता है लो, और ये शॉप चलाता है। बेटी सब बच्चियाँ छोटी छोटी भी पढ़ लिख रही हैं, तो बहुत मतलब मैं फिर अगेन खाला को थैंक करता हूँ कि इतने हिम्मत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके ये शॉप को चला रही हैं। जी, गाँव में रह कर भी। आप लोग से फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ आए यहाँ टेस्ट चेक करें, और हमको लगता है कि एक बार खाएंगे तो बार बार यहाँ पे खाएंगे। शुक्रिया। तो चलिए, ये इनके रिलेटिव थे और ये लोग यहाँ पे थोड़ा सा सक्रिय भी रह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा खाला की दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। देख सकते हैं स्क्रीन पे भी वीडियो। अगर आप आते हैं तो एक मरतबा यहाँ पे आइए, और समय दिनियत के नाते अगर आप गोपालगंज में आते हैं तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ, इस खाना को भी टेस्टी लें। देखिए, बड़े बड़े होटलों से मायने नहीं रखता है, टेस्टी कितना मायने रखता है ये मायने रखता है, और मायने कितने रखता है इंसान कब कामें आएगा ये मायने रखता है। तो बहरहाल यहाँ पर 6 साल से दुकान चल रहा था, लेकिन उनके एक्सपायर के बाद लोगों को मालूम चला अब दुकान ये बंद हो गया है, लेकिन महिला चला रही है। तो थोड़ा सा अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे इस महिला के जो कि जो बैकग्राउंड है, जो पीछे का जो फाइनेंशियल कंडीशन है, सही सुधर सक। बहरहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। हम और वीडियो को नहीं कहते हैं शेयर करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को प्यार मोहब्बत इतना मिल जाता है वीडियोज़ का कि हमें उतना मत सुकून मिलता है। लेकिन इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार शेयर कीजिए आप लोग, और इसे दूर तक पहुँचाइए, क्योंकि और भी लोग जान सकें और आकर यहाँ पर बिरयानी खा सकें। आप चाहते हैं ऑनलाइन वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना, तो तुरंत संपर्क कीजिए। भारी छूट के साथ बनाया जा रहा है, जैसे स्कूल वेबसाइट, कॉलेज वेबसाइट, शॉप वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, इंस्टीट्यूट वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन, न्यूज वेबसाइट, बिलिंग सॉफ्टवेयर या ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9718925775 या व्हाट्सएप करें 9268758।